सब्सक्राइब कीजिए आईटेक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर एक म्यूज़िक इक्वलाइज़र लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, आप अपने मोबाइल पे म्यूज़िक सुनते रहते हैं, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर एक इक्वलाइज़र लगा सकते हैं और अपने मोबाइल को एक म्यूज़िक लुक दे सकते हैं, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा जहां पे मैं आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको इस एप्लीकेशन में इस तरह से एरर दिखाई दे सकती है। अगर एरर नहीं आती है तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर एरर आ रही है दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। मगर आपको ये एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करनी है तो आप मेरे फेसबुक के पेज पे या फिर गूगल प्लस के पेज पे चले जाइएगा, वहां पे मैं आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं मेरे फेसबुक और गूगल प्लस की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद जैसे आप इस एप्लीकेशन बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो और ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ देनी होगी परमिशन। तो सबसे पहले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमिशन आएगी और दूसरी वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी एक बार और परमिशन आएगी। तो सारी परमिशन दे दीजिए, जितनी बार भी परमिशन मांग रहा है तो सारी परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अगर आपका नेविगेशन बार जो है वो मोबाइल की डिस्प्ले के बाहर है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका नेविगेशन बार मोबाइल की डिस्प्ले के अंदर है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहां आप उस चीज का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट करने के बाद, तो यहां पर बहुत सारे इक्विलाइजर आ जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं इतने सारे इक्विलाइजर डिजाइन आपको यहां पर मिल जाएगी कि आप यहां से किसी भी एक इक्विलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मोबाइल की डिस्प्ले पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से किसी भी एक इक्विलाइजर को सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इक्विलाइजर को सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम वो सेट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन है उस पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप इसकी कुछ डिज़ाइन बदल सकते हैं, इसमें आप कुछ अलग अलग तरह की पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया हुआ है कि आप आपके हिसाब से इसे सेट भी कर सकते हैं, अलग कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं और हम यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आपके हिसाब से अपना खुद का एक इक्विलाइजर बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सेट करके भी दिखाता हूँ। तो ये गो लाइव पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो इक्विलाइजर है ये रेडी हो जाएगा अपने मोबाइल पर सेट होने के लिए। तो ये मोबाइल पर सेट हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको म्यूज़िक प्ले करके भी दिखाता हूँ। जैसा मैं म्यूज़िक प्ले करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे इक्विलाइज़र आ जाएगा। तो चलिए हम म्यूज़िक को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने देखिए प्ले करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे इक्विलाइज़र आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल की डिस्प्ले पे अभी इक्विलाइज़र आ चुका है। अभी मैं बैक करके बाहर आ जाता हूँ तभी भी देखिए मोबाइल की डिस्प्ले पे जहाँ नेविगेशन बार आता है वहाँ पे अभी इक्विलाइज़र काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मोबाइल की डिस्प्ले पे, अगर आप किसी और एप्लीकेशन को भी स्टार्ट करेंगे, उसे भी यूज़ करेंगे, तभी भी ये आपको इक्विलाइज़र वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं अगर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ तभी भी इक्विलाइज़र वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तभी भी आपको इक्विलाइज़र वहाँ पे दिखाई देगा, मगर यूट्यूब के हिसाब से वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसी मुताबिक ही काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्विलाइज़र है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे भी रखता हूँ तभी भी देखिए आप इक्विलाइज़र आपको दिखाई दे रहा है। शायद मुझे, मैंने अभी फुल स्क्रीन नहीं की मगर आपको शायद दिखाई देता हो, मगर लैंडस्केप मोड पे भी ये इक्विलाइज़र बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर एक इक्विलाइज़र ऐड कर सकते हैं और अपने मोबाइल को एक नया लुक दे सकते हैं, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।